तो ये वाली वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप लोगों को 720p रेजोल्यूशन पे खेलना है या 1080p रेजोल्यूशन पे खेलना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को 1080p रेजोल्यूशन के बारे में बताऊंगा कि इसके क्या एडवांटेजेस है और इसके नुकसान क्या है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो अभी जो आप लोग ये गेम प्ले मेरा देख पा रहे हो, ये मैं 1080p की पे खेल रहा था और रेजोल्यूशन वही जो मैं यूज़ करता हूँ 1920x1440। तो इस रेजोल्यूशन का सबसे अच्छा फ़ायदा ये है कि इसकी बुलेट कनेक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब ये बहुत अच्छी बुलेट कनेक्टिविटी है। ये भी देखें, ये आपके सामने बुलेट कनेक्टिविटी हो रही है। इस रेजोल्यूशन का एक फ़ायदा ये भी है कि आप लोग की जो गेम है ना वो काफ़ी क्लियर और एचडी होती है। अगर आप क्लासिक ज़्यादा खेलते हो तो लॉन्ग रेंज में भी आपको बंदे आसानी से स्पॉट हो जाएंगे और टीडीएम में तो आपको फायदा ही फायदा है इसका। बाकी अगर इस रेजोल्यूशन के नुकसान की बात कर लें तो ये लैग होती है बीच में ना, क्लासिक में थोड़ी बहुत लैग होती है। तो चलो 720p रेजोल्यूशन के बारे में आपको बताता हूँ। ये वाली रेजोल्यूशन जो होती है ना, ये वाली लो एंड के लिए और मिड रेंज पीसी के लिए बेस्ट रेजोल्यूशन है, मतलब बेस्ट की भी बेस्ट है। इसकी बुलेट कनेक्टिविटी एंड लेवल है, ये देख आपके सामने ही है बुलेट कनेक्टिविटी, ये देखना भी। तो गाइस अगर आप लोगों के पास लो एंड पीसी है ना या मिड रेंज पीसी भी है तो ये रेजोल्यूशन आप लोग के लिए बेस्ट है। ये क्लासिक में बहुत कम लैग होती है और टीडीएम में तो भूल ही जाओ ना लैग। तो इस वाली रेजोल्यूशन का नुकसान ये है कि आप लोग की जो सी गेम है ना वो इतनी क्लियर नहीं होती, मतलब आप 480p करोगे ना तो आप वो मतलब मज़ा नहीं आएगा, वो क्लियरनेस नहीं आएगी। तो क्लासिक के लिए, क्लासिक में लॉन्ग रेंज में बंदे आपको इतने सपोर्ट नहीं होंगे। बाकी अगर TDM के लिए खेलना है तो ये रेजोल्यूशन बेस्ट है। तो आज की इस वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।